दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर एक टेस्ट होता है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। ये टेस्ट क्या होता है तो आप सब जान लो कि डायबिटीज मरीजों के अंदर जब भी ब्लड शुगर बहुत दिन तक हाई रहता है तो किडनी के अंदर जो किडनी हमारी होती है, देखो ये जो एक किडनी होती है, आप देखिए ये पेट में, आप बोलिए ये किडनी होती है, तो जब हाई ब्लड शुगर होता है तो किडनी पर ये असर डालता है, इस पर असर डालता है, जिसकी वजह से किडनी का काम होता है कि ब्लड में से टॉक्सिन्स लाइक यूरिया क्रिएटिनिन को यूरिन से बाहर निकाले और अपनी बॉडी के अच्छी चीज़ें लाइक ब्लड को प्रोटीन को लीक ना होने दे। तो जब भी अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर बहुत दिन रहता है तो किडनी के अंदर जो फिल्टरिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उस छेद से, उस होल से एल्बुमिन नामक प्रोटीन बहुत स्मॉल अमाउंट पहले करता है। तो जब भी डायबिटीज का किडनी पर असर आता है तो सबसे पहले किडनी के अंदर जो फिल्टरिंग ट्यूब्यूल है उसके छोटे छोटे स्मॉल होल हो जाते हैं, उसमें मतलब जो छेद हो जाते हैं, जिसे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसे बोलते हैं एल्बुमिन लीक करने लगता है। जब एल्बुमिन लीक करता है तो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल जो होती हैं उसको फर्दर डैमेज पहुंचता है और अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं या अदर कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल नहीं किया आपने तो ये होल बड़ा होता जाता है तो प्रोटीन लीकेज मात्रा बढ़ती जाती है। तो जब भी यूरिन में एल्बुमिन लीकेज कम होता है उसे बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिन। माइक्रो मीन्स थोड़ा, छोटा, स्मॉल, एल्बुमिन मतलब कि प्रोटीन और एल्बुमिनूरिया यूरिन में लीक करना। तो जब भी यूरिन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन लीक करता है इसे बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। अगर यही डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन बढ़ता गया तो होल बड़ा हो जाएगा तो एल्बुमिन मात्रा लीकेज और बढ़ जाएगी, साथ साथ अदर बिगर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी लीक करने लगे, इसे बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। मैक्रो मीन्स बड़ा, एल्बुमिनूरिया मतलब कि बिगर प्रोटीन लीकेज। तो डायबिटीज के अंदर किडनी पर जरा भी इफेक्ट आता है तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एल्बुमिन लीक करता है। तो ये जानने के लिए कि आपका किडनी पर असर आए है नहीं है, आपको यूरिन के अंदर माइक्रो एल्बुमिन चेक कराना है। ये टेस्ट कैसे करते हैं कि दो रास्ते हैं। सबसे पहले सुबह उठते पहला यूरिन सैंपल दे दीजिए, उसके अंदर यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट करा लीजिए। ये टेस्ट करीब 250 से लेकर 400 रुपये के अंदर आता है, डिफरेंट लैब में डिफरेंट कॉस्ट आता है। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर मान लो सुबह सैंपल नहीं दे पा रहे हो तो आप उठने के बाद सुबह 11 बजे से लेकर 11 से पहले कोई भी सैंपल दे सकते हो, चाहे फर्स्ट हो सेकेंड थर्ड सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सुबह, क्योंकि क्या होता है देखा गया कि सुबह शाम में एल्बुमिन सिक्रेशन से वैरी करता रहता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, रात हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, कोई यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बाद किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट फेलियर हो, इन सब प्रोटीन लीकेज बढ़ जाता है, तो या किसी बुखार हो, तो ऐसे में उस समय ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये जान लें कि पर डे यूरिन में कितना एल्बुमिन बाहर जाना नॉर्मल है। तो नॉर्मल व्यक्तियों में अगर किडनी पर डायबिटीज का असर ना हो तो पर डे अगर आप फास्टिंग यूरिन चेक करते हैं या 12 बजे पहले का यूरिन चेक करते हैं तो यूरिन में एल्बुमिन आना चाहिए ये बिलो 30 मिलीग्राम से कम पर ग्राम क्रिएटिनिन, यानी बिलो 30 मिलीग्राम ऑफ पर ग्राम क्रिएटिनिन और एल्बुमिन आ रहा, इसे कम आ रहा तो नॉर्मल है। यही एल्बुमिन एक्सक्रीशन अगर 30 मिलीग्राम से ज़्यादा पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन है तो ये हाई कहलाएगा। फिर समझ लीजिए बिलो 30 mg पर ग्राम क्रिएटिनिन नॉर्मल है एंड अबव 30 mg पर ग्राम क्रिएटिनिन एबनॉर्मल है। ये अगर अबव 30 mg पर ग्राम क्रिएटिनिन आ रहा है तो इसको फिर रिपीट करेंगे हम लोग मे बी आफ्टर 1 मंथ, और 3 महीने में 3 बार रिपीट करेंगे और 3 में से 2 सैंपल में यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रीशन हाई निकला यानी अबव 30 मिलीग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन, तो इसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल, इसे बोलते हैं पॉजिटिव माइक्रो एल्बुमिन। तो
अब ये कहने के लिए कि यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव है, जैसे बोला कि यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट जो है ये वेरी करता रहता है, आज मान लो थोड़ा आ रहा, कल ज़्यादा, ये वेरी करता रहता है, तो ये कहने के लिए कि वास्तव में आपके यूरिन में एल्बुमिन एक्स्ट्रा एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिन में एल्बुमिन एक्स्ट्रा निकल रहा है, आपको कम से कम 3 महीने में 3 बार टेस्ट करना पड़ेगा, और 3 में से 2 टेस्ट अगर पॉजिटिव होंगे तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट। अब इसका अगर यूरिन में अगर माइक्रो एल्बुमिन पॉजिटिव आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप जान लो अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हो तो अगर यूरिन प्रोटीन लीक होने का मतलब है कि आपके अंदर थोड़ा किडनी पर थोड़ा असर आ गया है, तो आपको कुछ दवा लेनी पड़ेगी, शुगर टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, सब बात बताऊँगा, जिससे प्रोटीन लीकेज बंद हो सकता है, आपका कॉम्प्लिकेशन बच जाएगा। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज हो तो ऐसे में कितने में देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज में इवन एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑल्सो करीब 20-30% लोगों के अंदर यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो अगर यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा तो देखा गया ऐसे मरीजों के अंदर करीब 20-30% आँखों अंदर लीक करता है। तो अगर यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव है तो अपना आई टेस्ट कराएं, आँखों पर्दा चेक कराएं कि आँखों में लीक तो नहीं कर रहा। अगर देखा कि अगर यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव है तो ऐसे लोग के अंदर हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जनरेट टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो अपना अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं और कोलेस्ट्रॉल हाई तो टाइट कंट्रोल करें, और अगर चलने में सांस फूलता है, सीने में दर्द होता है तो अपना ECG इकोर ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, जिससे कि पता चले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव है तो देखा गया कि उनके पाँव के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जनरेट टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आप पाँव का ब्लड फ्लो चेक करते ब्लड फ्लो कैसा है। तो जब बोला मैंने कि अगर आपको यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके हार्ट के अंदर चेक करना पड़ेगा, आपके पाँव के अंदर चेक करते हैं हम लोग कि कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, पाँव के अंदर ब्लड फ्लो चेक करते हैं, आँख के अंदर चेक करते हैं आँख पर्दा कैसा है, ये सब चेक करते हैं। अब सवाल है यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव है, अभी ठीक कैसे होगा? तो जान लो कि जब भी यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट पॉजिटिव होता है तो सबसे पहला काम आपको शुगर टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, खाली पेट 110 से कम, खाने बाद 160 से कम, चाहे गोलीज कंट्रोल करिए चाहे आप इंसुलिन करिए, नंबर 1। नंबर 2, डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना है। नॉर्मली हम डायबिटीज बोलते हैं प्रोटीन कम से कम डाइट के 25% होना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन खाइए, पर अगर आप यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है, एल्बुमिन लीक कर रहा, तो आपको प्रोटीन पर डे 0.8 ग्राम पर किलो ज़्यादा नहीं खाना है। मतलब प्रोटीन मना नहीं है पर ज़्यादा नहीं खाना है। आप एक टाइम में 1 अंडे ज़्यादा नहीं खाइए, पनीर 4 पीस ज़्यादा मत खाइए, दाल 1 करोड़ ज़्यादा मत खाइए, प्रोटीन मना नहीं है बट नॉर्मल प्रोटीन खाना, ज़्यादा नहीं खाना है। 3rd, ब्लड प्रेशर को हमेशा 130/80 mm कंट्रोल नीचे रखना है, और उसके बेस्ट ड्रग होती है ACE inhibitor या ARB रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे हमारा टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन, रेमिप्र, कई ड्रग्स होती है जो हम देते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, किडनी के लीकेज भी ठीक करती हैं। साथ में कुछ डायबिटीज दवा हमारी आती है जो शुगर कंट्रोल साथ किडनी का भी बचाव करती हैं, लाइक हमारे SGLT2 inhibitor लाइक डेपाग्लिफ्लोजन, इसके बाद हमारे ये एम्पाग्लिफ्लोजन एंड जैसे इनवोकाना, जैसे कैनाग्लिफ्लोजन, ये तीनों ग्लिफ्लोजन भी किडनी को कंट्रोल कर ठीक करती हैं और शुगर भी कंट्रोल करती हैं। साथ में कुछ GLP रिसेप्टर एग्निस्ट एंड DPP4 इनिबिटर भी आपको शुगर भी कंट्रोल करती है, किडनी भी ठीक करती हैं। तो यूरिन में अगर माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव आता है तो हम ये ड्रग चेंज करके इन ड्रग में शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यूरिन रेगुलर क्लीन रखें, वहाँ खुजली ना हो, तो रोज नहाते तो पेशाब की जगह सफाई रखें, सूखा रखें उसको, तो वहाँ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रेगुलर यूरिन चेक कराते रहे, कभी यूरिन इन्फेक्शन से भी किडनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर कुछ ड्रग्स होती है जो किडनी डैमेज करती है, लाइक पेन किलर, लाइक IBUPROFEN, डिक्लोजेसिक, इसके बाद IBUPROFEN, अदर कई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, किडनी नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कोई एंटीबायोटिक होती है लाइक एमिनोग्लिकोसाइड, मिकासिन, जो ड्रग्स होती है जो किडनी को नुकसान पहुँचा, उसको अवॉइड करना चाहिए। पानी की सही मात्रा पीते रहें, कभी पानी बॉडी कमी ना होने दें। तो इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की एक स्टैटिन ड्रग होती है, कोलेस्ट्रॉल कम रखें, जितना कोलेस्ट्रॉल कम रखेंगे किडनी की प्रॉब्लम चांसेस और घट जाते हैं। फिर कुछ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स आती हैं वो देते हैं हम लोग, इसके बाद कुछ अदर ड्रग्स आती हैं जो किडनी के लिए प्रिवेंशन में हेल्पफुल होती हैं।
अगर आप ये सब दवा लेंगे तो विद इन 6 मंथ आपका यूरिन माइक्रोबियम नॉर्मल आएगा, किडनी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर किडनी चेक कराना है तो आप यूरिन माइक्रोबियम अलॉन्ग विद दैट यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप जरूर कराएं, जिससे कि पता चले कि आप किडनी में 1% असर आया नहीं आया। अक्सर लोग यूरिया क्रिएटिनिन चेक कराते हैं, वो तब बढ़ता है जब 80% किडनी डैमेज हो जाएगी, तो उतना लेट वेट हमें नहीं करना है। तो एक बार किडनी ज़्यादा डैमेज हो गई, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो क्योर मुश्किल हो जाता है। अगर किडनी से बचना है तो यूरिन माइक्रोएल्बुमिन हर साल एक बार जरूर कराएं। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट होता क्या है और कैसे इसको कंट्रोल करना है और ठीक करना है। धन्यवाद।